स्वदेश कथा अमृत के प्रवर्तक संत श्री विंदान देव जी महाराज के जन्म उत्सव पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नागपुर के मारीवाड़ा स्थित सिद्धेश्वर सभागृह में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने शामिल होकर रक्तदान किया। इस शिविर में मेडिकल कॉलेज का सहयोग प्राप्त हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबे का शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर रक्तदान करने का संदेश दिया, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री बच्चों को गुरु की संस्था प्रहार के कार्यकर्ताओं ने दिलीप जायसवाल के मार्गदर्शन में रक्तदान किया। विहंगम योग सन समाज नागपुर द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच का सहयोग प्राप्त हुआ। सर, आज जो भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, तो हमारे डीन सर का 100% जो है ना, हमारे को सहयोग मिला है सर। बिना उनके सहयोग से तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते सर, और वो हमारी गार्जियन के तरह हमेशा हमारी जो है ना मदद करते रहते हैं सर। और आज जो इतना सक्सेसफुल आयोजन हुआ है ब्लड डोनेशन का, उनकी वजह से ही ये संभव हुआ है सर। तो मैं डीन अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय डॉक्टर राज गजबे सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, और बहुत बड़ा आभारी हूँ सर, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है सर। मेरा शुभ नाम दिलीप जायसवाल, प्रहार जनशक्ति पार्टी नागपुर। हमारे नेता की कल्पना ये है कि दिव्यांगों की और गोर गरीबों की सेवा करो, इसका पहली पारी ब्लड डोनेशन से आती है। अमूमन गरीब लोगों को ही खून की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और उसी वजह से अब खून देते हैं तो उसके जमा भी करना पड़ेगा, ये हमारे नेता की संकल्पना है। जब जब डॉक्टर साहब कॉल करते हैं, तब तब हम हमारे प्रहार के असंख्य कार्यकर्ता हैं ब्लड में आते हैं, और सबसे खुशी की बात सब परिवार समेत देता है खून, बीवी बच्चे सब देते हैं। यही हमारे नेता की मतलब मूल कल्पना है कि गरीबों की सेवा हो, दिव्यांगों की सेवा। सर, ये तो साथ देते देते अब जिंदगी चलेगी, ब्लड डोनेशन से लेकर तो डॉक्टरों के साथ में। मेरा एक्चुअली काम थीसिस जॉब था, 1974 से मैं डॉक्टरों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम भी कर रहा हूँ और साथ भी दे रहा हूँ। और मैं थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चों के लिए, जब बहुत उनको तकलीफ होती थी, थैलेसीमिया के बच्चों को 12-12 दिन में ब्लड लगता है, दो दो बोतल ब्लड उपलब्ध नहीं होता था, वो कैंप लगाना चालू किया। तो लेकिन अब ये डॉक्टर साहब मुरारी सिंह जी ने जो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं यहाँ हर बार आता हूँ, और ये आगे ही ऐसा चलता रहे ये मेरा है। और मैं खुद भी कैंप कराता हूँ, और आज 100 से ऊपर बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 100+ कर चुका हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं, और ना बताना चाहिए। क्या ध्यान अपन जो करते हैं ना, इसका बताना नहीं चाहिए अपने को। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी करें और स्वेच्छा से करें। तो थैलेसीमिया के बच्चों को, सिकल सेल के बच्चों को ब्लड लगता है, फ्री ब्लड उपलब्ध होता है, ये करते रहें तो उन बच्चों की जान भी बचती है और उनको अच्छा भी लगता है, जीवनदान भी मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इन बिसन न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।